हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और लाइव में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, चारों तरफ स्नो से ढका हुआ केदारनाथ है। जैसा कि कल की लाइव में आपने देखा था, काफ़ी तेज़ स्नोफॉल हो रही थी। और आज है 29 नवंबर 2023, और आज के दिन आप देख सकते हो चारों तरफ आपको सफ़ेद चादर दिखा, केदारनाथ दिख रहा है, मतलब कि चादर से घिरा हुआ केदारनाथ। और ये सारा कल की स्नोफॉल के बाद हुआ है, और कितना सुंदर लग रहा है बाबा केदारनाथ का दरबार। और पीछे पहाड़ों पर आप देख सकते हो स्नो कितनी हो चुकी है, और ऐसे स्नो में क्या होता है कि एवलांच भी हो जाता है। ऊपर से जो स्नो ज़्यादा हो जाती है तो नीचे गिर भी जाती है। बाकी आप सभी देख सकते हो पीछे एवलांच हो भी रहा है, और जहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी स्नो गिरती हुई दिख रही है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऊपर से एवलांच हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा पहाड़ों पर स्नो हो जाती है तो धूप निकलने के बाद वो नीचे गिरने लगती है। ऐसे एवलांच आपको देखने को मिलते हैं जब ज़्यादा स्नोफॉल होती है पहाड़ों पर। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी मौसम और चेंज होगा, और ऐसे ही मौसम चेंज होता रहेगा। और केदारनाथ में 10-10 फुट, 15-15 फुट और 20-20 फुट भी स्नोफॉल होती है, जो कि अगर आप पहली बार अगर केदारनाथ आते हो ओपनिंग में तो आपको देखने को मिलती है। 10-10 फुट की तो आपको दीवारें देखने को मिलती हैं केदारनाथ के पास। और जब केदारनाथ की यात्रा चालू की जाती है तो उन स्नो को हटा के रास्ता बनाया जाता है। अभी हम चलते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं। सभी भक्तों को आज बाबा केदारनाथ के दर्शन हो रहे हैं, तो वो सभी उनकी मनोकामना पूर्ण हो, मैं तो ये कहूँगा। और आप सभी को पता है इस तरीके का मौसम आपको देखने को मिलता है स्टार्टिंग में भी। अगर आप स्टार्टिंग में बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हो तो आपको 10-10 फुट, 20-20 फुट और 25-25 फुट भी स्नो देखने को मिलती है, जिसे काट कर सभी यात्रियों के लिए रास्ता बनाया जाता है। और हो सकता है अगले साल अगर आप ओपनिंग में आओ तो आपको बहुत स्नो देखने को मिले, क्योंकि अभी मौसम चेंज हुआ है, और अब मौसम चेंज होता रहेगा और स्नोफॉल होती रहेगी केदारनाथ परिसर में, और इस तरीके से स्नो पड़ती रहेगी। और इस तरीके से आपको मैं दर्शन कराता रहूँगा जब तक मैं केदारनाथ में हूँ। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें, जिससे कि हम भी आपको आगे की यात्रा करा पाएँ। बाकी आप सभी बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हो, और ये शुभ दर्शन है 29 नवंबर 2023 के। आपने अगर दर्शन कर लिए हैं तो चलिए अब चलते हैं भीमशिला की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है भीमशिला का महत्व है, कि भीमशिला 2013 में एक आपदा आई थी केदारनाथ में, और उस आपदा में भीमशिला ने बाबा केदारनाथ के मंदिर को बचाया था और पानी को छूने भी नहीं दिया था, मतलब कि इस तरीके से रक्षा की थी जो कोई रक्षा नहीं कर सकता। और कहते हैं साक्षात भीम ही यहाँ पर आ गए थे, उन्होंने जितनी भी जलधारा थी उसे अलग कर दिया और बाबा केदारनाथ की रक्षा करी। यहाँ से आप देख सकते हो भीमशिला को, और पीछे आपको स्नोफॉल देखी हुई मिल रही होगी, बट ये स्नोफॉल अभी थोड़ी सी हुई है और आगे स्नोफॉल और होने वाली है। जैसा कि मौसम चेंज होता रहेगा स्नोफॉल होती रहेगी, और इस तरीके से पहाड़ जितने भी हैं और सफ़ेद होते चले जाएंगे। हर हर महादेव, बाबा केदारनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इस तरीके के दर्शन आप कर रहे हैं शुभ, वो भी 29 नवंबर 2023 के। आज मैं आपको और भी दर्शन कराता हूँ। चलिए हम चलते हैं एक ऐसी जगह जिसके दर्शन आप में से बहुत से लोगों ने किए होंगे जो केदारनाथ की यात्रा पर आए होंगे। अभी हम जा रहे हैं शंकराचार्य महादेव के दर्शन करने के लिए। जैसे कि ये रास्ता है शंकराचार्य जी का, जहाँ से आप महादेव जी के दर्शन कर सकते हो। अभी जो भी यहाँ से आते हैं तो उन्हें बहुत से मंत्र लिखे हुए दिखाई देते हैं दीवार पर, और उन मंत्रों को उच्चारण करते हुए ही आप अंदर आओ तो कुछ अलग ही महसूस होता है। चलिए आप कर लेते हैं शंकराचार्य जी के दर्शन, और सामने आपको दर्शन हो रहे हैं गुरु शंकराचार्य के, और कितनी अच्छी मूर्ति लग रही है। पीछे पहाड़ों से ढका हुआ स्नो के पहाड़, और यहाँ पर शंकराचार्य अपने समाधि में लीन हैं, और इन्होंने ही कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर की स्थापना की थी यहाँ पर। और कहते हैं काफ़ी सदियों के बाद ही केदारनाथ मंदिर की एक तरीके से मतलब कि खोज हुई थी। कहते हैं कि पहाड़ों में इतना ज़्यादा स्नोफॉल होती थी कि उस टाइम जितने भी पहाड़ थे उसमें केदारनाथ मंदिर खूब हो गए थे। बट कुछ समय बाद जब पहाड़ पीछे खिसकने लगे बर्फ़ के,
उस बाद केदारनाथ मंदिर के दर्शन हुए। आप दर्शन कर रहे हैं गुरु शंकराचार्य के। जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं वो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और साथ के साथ जिन्होंने यात्रा की है 2023 में वो अपनी यात्रा के बारे में बता सकते हैं कि उनकी यात्रा कैसी हुई, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम हुई, और आगे अगर वो यात्रा करेंगे तो क्या क्या प्लान करके यात्रा करेंगे जिससे कि आगे उन्हें ये यात्रा में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो चलिए अब बाहर चलते हैं और बाहर के दर्शन आपको कराते हैं किस तरीके से आप बाहर देख पा रहे हो। बाहर चलते वक्त मैं आपको बता दूं, केदारनाथ मंदिर में जितने भी लोग हैं ना अभी वो सब काम करने वाले हैं, और जितने काम कंप्लीट हो जाएगा उतना काम कंप्लीट करके वो नीचे आ जाएंगे। और मौसम अभी चेंज होने लगा है, अगर मौसम ऐसे ही चेंज होता रहा तो काम को ऊपर बंद कर दिया जाएगा और नीचे आ जाएंगे जितने भी लोग हैं, क्योंकि इतने स्नो में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है जैसा कि आप सभी को पता है। ऐसे मौसम में सर्वाइव नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं कर सकते, क्योंकि और उन्हें काम भी करना है, और जैसे ही मौसम साफ होगा दोबारा फिर वो ऊपर आएंगे और केदारनाथ परिसर में और होटल बाकी सारी संरचना चालू हो जाएगी। इसी के साथ मैं आप सभी से यही कहूँगा, अगर आपने आज के दर्शन कर लिए हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, और इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। हर हर महादेव।